हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरतमिंदर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक टेबल कैसे बनाना है। हमने ये कोड किया था पिछली वीडियो में। हमने देखा था कि हम एक रो शुरू करते हैं और उसके अंदर एक उसके कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद रो क्लोज कर देते हैं और दूसरी रो शुरू करते हैं और उसके अंदर कॉलम्स डिसाइन करते हैं, जैसे TD, मंडे, कंप्यूटर, अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं, ये रो कम्प्लीट हो जाती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और ये आप देख रहे हो, ये ऐसे हमने डिज़ाइन किया था टेबल पिछली वीडियो में। तो बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट रो है अपनी, फर्स्ट रो है जिसमें डेज, पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है, ये टेबल हेडिंग्स हैं। तो हम यहाँ पे टेबल हेडिंग्स डिफाइन किए हैं, जैसे डेज, पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द टेबल हेडिंग्स। और जो बाकी की रोज़ हैं उनमें हमने सिंपल TD लिया है, TD, ये देखिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रोज़ हैं उनमें हम TDs लेते हैं, और TH टेबल हेडिंग्स के लिए होता है, TD टेबल डेटा के लिए होते हैं। जो बाकी रोज़ हैं उसमें हम TDs लगाते हैं और जो फर्स्ट रो है उसमें हेडिंग्स लगाते हैं। तो बच्चों अब हमने इसकी करनी है स्टाइलिंग। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो टेबल हेडिंग्स हैं हमारे सेंटर में आ रहे हैं और TDs हैं, जो भी यहाँ पे हमने TDs लिखे हुए हैं, बाकी सभी रोज़ में लेफ्ट में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो टेबल हेडिंग्स में लिखा हुआ है, जैसे डेज एंड पीरियड, सेल के सेंटर में आ रहा है, फर्स्ट सेंटर में आ रहा है, सेकेंड सेंटर में आ रहे हैं, ये भी हमने लेफ्ट अलाइन करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, TD और TH दोनों में, TD तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे ही है और TH भी लेफ्ट पे आ जाए, तो इसके लिए आप कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन। आपको पता है टेक्स्ट हाइफन अलाइन, अरे सॉरी, टेक्स्ट अंडरस्कोर अलाइन करते हैं आप, उसको लेफ्ट प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को लेफ्ट कर देते हैं, तो ये सारे आपके हेडिंग्स हैं लेफ्ट पे आ गए। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, ये जो बॉर्डर्स हैं डबल डबल शो हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिंगल बॉर्डर हो जाए इसका। तो इसके लिए टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बच्चों, दैट इज़ अ बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी वैल्यू भी कोलैप्स लगाते हैं आप। अब यहाँ पे देखोगे तो सिंगल बॉर्डर हो गया। तो कल हमने बॉर्डर लगाया था, आपको पता है टेबल का जो बॉर्डर डिफाइन किया था उसकी हमने थिकनेस 1 पिक्सल, उसका स्टाइल सॉलिड किया था और उसका कलर ब्लैक किया था। आज उस बॉर्डर को, डबल डबल बॉर्डर को सिंगल बॉर्डर करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी हमने लगाई है। तो अब थोड़े सेल्स हैं, जो सेल आप समझते हो, जो बॉक्सेस बने हुए हैं जिन जो रेक्टेंगल शेप में, तो उनको हम टेक्निकली सेल्स बोलते हैं। सेल्स का साइज़ बढ़ाना है, थोड़ी हाइट और बर्थ बढ़ानी है। तो ये TD और TH हैं, ये TD और TH की जो पैडिंग है हम बढ़ा सकते हैं। पैडिंग होती है उसकी हाइट और बर्थ स्क्वायर शेप में बढ़ाने के लिए। मालूम है यहाँ पे 8 पिक्सल कर देता हूँ। पैडिंग से क्या होता है, देखिए ये उसकी साइल्स की जो हाइट और बर्थ है वो बढ़ गई है। 8 पिक्सल की जगह मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं फाइल को दोबारा से, ये थोड़े इसकी साइज़ में बड़े हो गए हैं। तो पैडिंग का ये यूज़ है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि पैडिंग किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 20 पिक्सल की जगह और बड़ा कर दीजिए, 25 पिक्सल कर दीजिए, और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तो अब हमने जो TD और TH में लिखा है उनके अंतर, जो हमने कंप्यूटर इंग्लिश जो टेक्स्ट लिखा है उसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ाना है। तो आपको याद होगा पिछली वीडियोस में भी हमने सीखा कि साइज़ बढ़ाने के लिए हम लिखते हैं फॉन्ट साइज़, कितना करना चाहते हैं आप, 30 पॉइंट करना चाहते हैं। तो आप देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको आप 15 PT कर देते हैं, ये सही है। लेकिन पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो पैडिंग हम इसकी 18 कर देते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट सही हो जाएगी। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो, 15 पैडिंग कर देते हैं, और ये सही है, और ये भी 12 PT इज मोर देन सफिशेंट। तो इनको बोल्ड करना आपने, तो सिंपली फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी लगाते हैं आप बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो TH है, जो आपका हेडिंग्स हैं, इसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना। कौन सा कलर करना है, मैंने एक फ़ोटो मैनिपुलेशन का ये खोला हुआ है, ये कलर करना है मैंने। मालूम है यहाँ से इस कलर का कलर पिकर टूल से कलर उठाया, तो इसका कोड कॉपी कर लो, इसमें आप सिंपल कोड भी लिख सकते हैं और कोड कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने कोड कॉपी कर लिया, कलर का कोड, ये कलर कोड है, आप कोड भी लिख सकते हैं और सिंपली कलर का नाम भी लिख सकते हैं। दिस आई वॉन्ट फॉर TH ओनली, नॉट TD। तो TH का कलर मैंने केवल चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर कौन सा करना है,
हैश लगा के जो कोड कॉपी किया था, कोड कॉपी कर सकते हैं या कलर का सीधा नाम भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कलर का नाम पता है। तो देखिए कोड कॉपी किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, तो मैं इसका फोरग्राउंड कलर है वो वाइट करना चाहता हूँ, जो उसके ऊपर लिखा हुआ वो ब्लैक में है वो वाइट करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने लिखना होता है कलर, तो वाइट वाइट तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं और अदरवाइज कोड भी इसका कॉपी कर सकते हैं। तो टी एच का जो फॉन्ट साइज है थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, जो फॉन्ट साइज ओके है लेकिन यहाँ से 15 ओके ये सही है। तो यस स्टूडेंट्स ये अपना हो गया रेडी, टी एच लगा दिया हमने, टी डी पे सेटअप कर दिया और बॉर्डर कोलैप्स कर दिया हमने। तो कुछ और एडिटिंग आप करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, आई थिंक कुछ और बचा नहीं है, एडिटिंग में बढ़िया लग रहा है। कुछ एक एंथ चाइल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है वो हम आपको आगे जाके आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखा देंगे। अदरवाइज़ अगर आप राइटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मान लो इसके लिए होता है फॉन्ट फैमिली, तो कौन सी राइटिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए आप, लिख दीजिए। अब वरदाना इसमें फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, फॉन्ट में जाके कोई भी फॉन्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी राइटिंग लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे इसकी स्टाइलिंग करनी है। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे रोज़ पैन कॉल्स पैन दो कॉलम्स को मर्ज कैसे करना है और रोज़ को कैसे मर्ज करना है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। इसको एक बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।